नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें इरफान पठान का। आप देख रहे हैं न्यूज़ बी के और वक्त हो चला है महोबा टाइम्स का। इससे पहले कि आपको हम महोबा की खबरें दिखाएं, आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पीके यूनिवर्सिटी, बिल्ड अ ग्रेट करियर एट पीके यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन फॉर मेडिकल साइंस, बी फार्मा, एम फार्मा, बीएससी, बीटेक, एमटेक एंड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। कॉन्टैक्ट नाउ www.pkuniversity.edu.in। एड्रेस थांद्रा विलेज, झांसी रोड, शिवपुरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बुलेटिन में शुरू करते हैं महोबा की हर एक बड़ी खबर। महोबा शहर में शाम के समय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से पैदल गश्त करते हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया। दरअसल आपको बता दें कि जिलाधिकारी मनोज कुमार व पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह द्वारा पुलिस बल के साथ महोबा शहर के प्रमुख स्थानों उदल चौक, आला चौक, रोडवेज बस स्टैंड, मुख्य बाजार, सर्राफा मार्केट आदि जगह पर पैदल गश्त किया और अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया। आम जनमानस से संवाद करते हुए सुरक्षा का एहसास कराया गया तथा यातायात नियमों का अनुपालन कराने हेतु संबंधित को दिशा निर्देश दिए गए। आमजन की यातायात समस्या को देखते हुए दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही शहर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए अतिक्रमण हटवाया गया व आमजन में सुरक्षा का एहसास भी कराया गया। भ्रमण के दौरान गलत तरीके से खड़ी गाड़ियों का भी चालान किया गया है। महोबा जनपद के कैथौरा गांव में रहने वाली विवाहिता का आरोप है कि उसके पति ने एक अन्य युवती से शादी कर ली और उसे अपने साथ नहीं रख रहा, वह दर दर भटक रही है। दरअसल पूरा मामला अजर थाना क्षेत्र के कैथौरा गांव का है, जहां रहने वाली भारती पूरे मामले की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक के यहाँ पहुंची। भारती बताती है कि उसके पति द्वारा दूसरी युवती से विवाह कर लिया गया और अब वो दर दर भटकने के लिए मजबूर है। पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत स्थानीय थाने में भी की, लेकिन आरोपी पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। ऐसे में आज उसने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की शिकायत करते हुए आरोपी पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? भारती सर। कहाँ की रहने वाली है? कैथौरा की। आज एसपी ऑफिस आई है, क्या मामला हो गया है? मामला ये है कि मैं एक शादीशुदा हूँ, मेरे आदमी ने एक लड़की को भगा कर दूसरी शादी कर ली है और मुझे मायके मार पीट कर मायके भी छोड़ दिया है। कहाँ शादी हुई थी आपकी, किसके साथ? मेरी शादी कैथौरा में हुई थी देवेंद्र के साथ। क्या आप नहीं रख रहे हैं? नहीं रख रहे हैं। थाने में शिकायत की आपने? हाँ, थाने में शिकायत की थी हमने, अजनर में भी की थी, कुलपहाड़ गए। क्या हुआ? तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज कहाँ आई थी आप शिकायत करने? आज हम ये सुदाया सोलो आए थे, कप्तान सर। महोबा के श्रीनगर कस्बे में टैक्सी स्टैंड की मांग को लेकर टैक्सी चालकों ने आज उपजिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तहसील परिसर पहुंचे तमाम टैक्सी चालकों का कहना है कि इन्हें महोबा के श्रीनगर कस्बे में टैक्सी स्टैंड नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से उन्हें आए दिन परेशान किया जाता है। इनका आरोप है कि स्थानीय पुलिस द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, वाहन खड़े करने पर इनके चालान काट दिए जाते हैं। ये तमाम लोग गरीब तबके के हैं जो टैक्सी और ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे में टैक्सी स्टैंड की व्यवस्था न हो पाने के कारण इनके सामने तमाम समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इस मामले को लेकर उपजिलाधिकारी जितेंद्र कुमार बताते हैं कि इनकी शिकायत को सुन लिया गया है और जल्द से जल्द इनकी समस्या के निदान के लिए आगे काम किया जाएगा। भैया, मेरा नाम अरविंद शर्मा है। सर, हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग 20 साल से टेम्पो अपनी चलाते चले आ रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे हैं। आज की स्थिति ऐसी है कि श्रीनगर थाना जितने भी पुलिसकर्मी हैं, कर्मचारी, वो सभी लोग आके हम लोगों को धमकाते हैं कि इधर टेम्पो मत खड़ा करो। टेम्पो खड़ी करने में नाजायज तरीके से 1,000 रुपये का चालान, अन्यथा हम आपकी टेम्पो ले जाते हैं थाने, सीज कर देते हैं, हम लोगों को कोर्ट से छुड़ाने पड़ता है। सर, हम लोग बेरोजगार हैं और डरते हैं, पुलिस के मारे भागते हैं इधर उधर। हम लोगों को जगह चिन्हित कर दी जाए और हमारी सहायता की जाए। तो श्रीनगर पुलिस आपसे महीने में पैसा भी लेती है? नहीं सर, पैसा नहीं लेती है, पर धमकी देती है। सर, किस रूट में आप लोग ऑटो चलाते हैं? बेलाताल, श्रीनगर से बेलाताल रूट। कि एक निश्चित स्थान चिन्हित कर दें कि वो मेन रोड पे ना लगाएं, हाईवे पे। ठीक है, क्या समस्या है? उनकी समस्या है कि वो कहाँ खड़ा करें, उनको बार बार जगहों से हटाया जाता है, तो निश्चित स्थान की मांग कर रहे थे। ये सब तो लिखे नहीं थे, लेकिन कहते कि वो उनको एक जगह दी जाए। ठीक है, नियत स्थान सुनिश्चित किया जाए, टेम्पो खड़ा करने के लिए टेम्पो चालकों को नियत स्थान दिया जाए, ये शिकायत है।
महोबा के बिलरही गांव में सरकारी जमीन के अवैध कब्जे को हटाए जाने की मांग को लेकर चल रहे धरने के दौरान ग्रामीणों ने आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल आपको बता दें कि महोबा के बिलरही गांव का यह मामला है जहां पर ग्राम समाज की आरक्षित जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया। इस मामले में उप जिलाधिकारी ने स्टे होने की बात कही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आज प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा और बताया कि प्रशासन द्वारा जिस स्टे की बात की जा रही है वो अन्य जमीन का स्टे है, जबकि सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से कब्जा का निर्माण कराया गया है। इस पूरे मामले को लेकर उप जिलाधिकारी ने कहा है कि स्टे हटने के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। वहीं ग्राम प्रधान के नेतृत्व में सभी ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी धरने पर बैठे हैं। इन ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक अवैध निर्माण पर बुलडोजर नहीं चलेगा वह धरने पर बैठे रहेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उनका धरना तब तक चलेगा जब तक ग्राम समाज की आरक्षित भूमि से अवैध कब्जा नहीं हट जाता। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हाँ, ये प्रशासन हमें मजबूर करेगा कि हम आगे अनशन करें। हम नहीं चाहते हैं कि इतनी गर्मी में और अपना काम छोड़कर अनशन करें, कोई नहीं चाहता है। लेकिन बात अब आपको बता दें, जो कल एसडीएम साहब ने बयान जारी किया है उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके उत्तर में हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई नीरज शोहरे कब्जा धारक से है, जबकि जो स्टे लाया है वो हरप्रसाद बनाम सरजुआ ये लोग लाए हैं। अब बात ये आती है कि हम लोग लड़ाई 466/4 की लड़ रहे हैं, यानी 466/4 की लड़ रहे हैं और स्टे 466/1 पर आया है। अब बात यहाँ आती है, या तो एसडीएम साहब इस पर अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उसको संज्ञा अच्छी तरह से गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, या फिर गंभीरता से इसीलिए ले रहे इस हिसाब से ले रहे हैं कि इस मामले पर लीपापोती कैसे की जाए। तो यहाँ ये मामला पूरा संदेह स्थिति में है। ये उच्च अधिकारियों से और यहाँ तक कि मैं शासन से भी मांग करूंगा कि इसकी विशेष इसको अहमियत देते हुए इसकी गंभीरता से जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। नहीं, जमीन एक ही है, 466 नंबर की, नक्शे में कोई तरमीम नहीं है, ठीक है। जमीन वहाँ बहुत खाली भी है, जिसने बैनामा ली है उसका पहले से वहाँ पे कब्जा भी था। स्टे है, स्टे हट जाएगा फिर हम लोग सब पूरी जमीन खाली करा देंगे। क्या लग रहा है सर, क्यों ग्रामीण ऐसा क्यों कर रहे हैं? संभवतः ग्रामीण अपने वो प्रधानी के रंजिश में, आपसी जो गांव की राजनीति होती है उसके चलते ही होती है। महोबा के कलेक्ट्रेट में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा सरकार के होमवार आबकारी संशोधन कानून को वापस लिए जाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होमवार आबकारी संशोधन अधिनियम लाया गया है, जिसको लेकर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन में नाराजगी है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते हुए इस कानून को मानव हित में खराब बताया है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिला अध्यक्ष मुन्नालाल धुरिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शराब को लेकर लाया गया कानून सही नहीं है, इस कानून का हम सभी विरोध करते हैं। वहीं प्रदर्शन में शामिल संगठन के प्रदेश महामंत्री योगेंद्र कुमार अवस्थी ने कहा कि इस कानून से शराब के सेवन में तेजी आएगी और लोग शराब पीकर रावण और कंस की रूपी राक्षस हो जाएंगे। शराब के लिए बना यह कानून मानव हित में सही नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की गई कि इस कानून को तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो फिर संगठन आंदोलन भी करेगा। जी, क्या नाम है आपका? मुन्नालाल धुरिया, एडवोकेट। आज सभी लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, किस मामले को लेकर, किस मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कैबिनेट में होमवार आबकारी संशोधन कानून लागू किया गया है, जो आम समाज के खिलाफ है। आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जगह है जो ज्ञापन दे रहा है इस कानून के विरोध में, और सभी लोग विरोध कर रहे हैं इस कानून को वापस लिया जाए। भैया, क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार अवस्थी। अच्छा, किस संगठन से हैं आप लोग? मैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी महासचिव उत्तर प्रदेश पद पर हूँ। जिलाधिकारी को आज ज्ञापन सौंपा गया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया? हमने ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए द्वारा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया है।
जो कैबिनेट ने आबकारी संशोधन अधिनियम पास किया है होम बार का, उसको ये सरकार अपनी जिम्मेदारी के साथ वापस ले और हमारे प्रदेश में बहन बेटियों की रक्षार्थ हेतु संकल्पित है तो उसको पूरा करें। और ऐसे गलत निर्णय जिससे अब घर घर रावण और कंस जैसे रूपी राक्षसों का जन्म इस मद्रापान से होना सुनिश्चित हो जाएगा, ऐसे निर्णय को होम बार लाइसेंस अधिनियम को वापस लेकर पुनः मानवता की रक्षा के लिए कार्य करें, इस संबंध में हमने ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है। कितने लोग पार्टी के संगठन के शामिल हुए हैं? लगभग 50 लोग हम लोग शामिल हुए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आने वाले समय में एक बड़े रूप में हम लोग इसको आंदोलन के रूप में करेंगे। अगर इस सरकार ने इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो महोबा के कबरई बांध के डूब क्षेत्र में आए गांव के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा उचित मुआवजा, सही पैमाइश कराकर घरौनी सहित मुआवजे की गई मांग। कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे सभी किसानों ने नारेबाजी करते हुए सिंचाई विभाग से उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। क्षेत्र में आने वाले सभी 4 गांव के ग्रामीणों ने इस बाबत मुख्यमंत्री को समुद्र ज्ञापन भी भेजा है। किसान बताते हैं कि वर्तमान में गांव में स्थित भवन और संपत्ति की पैमाइश मौधा बांध निर्माण खंड करा रहा है, जबकि एक वर्ष पूर्व इन गांव का ड्रोन सर्वे पैमाइश भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी को भी घरौनी प्राप्त नहीं हुई। धरने पर बैठे किसानों ने इस बाबत जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण, गैरकानूनी और जनहितकारी पैमाइश विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। विभाग के कर्मचारी मकान की पैमाइश तो कर रहे हैं लेकिन प्लाट आदि संपत्ति की पैमाइश नहीं हो पा रही, इसके कारण उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा। यही नहीं, गांव के पेड़, कुआं, बोरबेल, बंधी आदि के भी मुआवजे की मांग किसानों ने की है। किसान बताते हैं कि तमाम ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कृषि भूमि का भी मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया, इसी बात से किसानों में नाराजगी है। पूरे मामले से संबंधित एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित अतिरिक्त उपजिलाधिकारी को सौंपा गया है, जिसमें उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की जा रही है। मांगे ये है, अर्जुन सहायक बांध का बांध पड़ा था, उसमें 4 गांव डूब क्षेत्र में आए थे। कबरई बांध, अर्जुन सहायक बांध जो पड़ा था उसमें 4 गांव जो है डूब क्षेत्र में आए थे। वहां के जो निवासी हैं, गांव वाले हैं, जो गांव बसा हुआ था, उनका सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया गया। गांव में ऐसा होता है कि एक घर है तो खाली पक्के मकानों के मुआवजा कर दिया गया, उनका एक प्लाट भी पड़ा है, बकरी और हैं, तो उनका भी नहीं उन्होंने नाप करवाई है। इस तरह से काफ़ी कमियाँ हैं जो उन्होंने अभी तक इनको, हमारे किसान भाइयों को मुआवजा नहीं दिया गया। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि कम से कम इस बार अपनी कमेटी बना लें और कमेटी बनाकर सही तरीके से न्याय हित में जो है उसको जांच करा लें और कोई आदमी छूटे ना, किसी की बकरी ना छूटे। आज एक मकान का मुआवजा दे रहे हैं और वो कहीं दूसरी जगह अगर प्लाट भी खरीदते उतने पैसे में उनका प्लाट नहीं मिल रहा, बनाएंगे कैसे वो लोग। तो कम से कम सरकार सही मुआवजा दे उसको, किसानों की सही जो है नाप करावे, जो जितनी उनकी बकरियां हैं, खाली प्लाट हैं, उन सब के नाप करा करके उनको मुआवजा दिया जाए। लगातार कई बार आप प्रदर्शन कर चुके हैं, इसके बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या करेंगे आगे चलकर? नहीं, इसमें एक तो अर्जुन सहायक बांध की जो मुआवजा 4 गुना थी पहले, उसके भी आंदोलन हुए, उसमें भी कुछ लोगों की अब फाइल बढ़ी है यहाँ से, शासन ने DM साहब ने उन्होंने लिखा है ऊपर मुख्यमंत्री योगी जी को कि कम से कम इनको 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, आप आदेशित करें। तो अभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आदेश नहीं आ पाया, इसलिए अधिकारी अभी रुके। उसमें भी हम संज्ञान में गए, उसमें भी हम लोग एक महीने धरना चला, तब कहीं जाके यहाँ के अधिकारियों ने लिखा कि इनको 4 गुना मुआवजा दिया जाए, तो अब उसके लिए प्रक्रिया बढ़ी है। अब देखिए कब तक मिलता है, लड़ाई बराबर जारी रहेगी, संघर्ष हमारा रहेगा। जब तक इन किसानों को सही मुआवजा नहीं मिलता, सही इनको जो है 4 गुना नहीं, खेती वालों का भी 4 गुना भी बकाया उनको नहीं मिलता, भवन को भी नहीं मिलता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम लोगों की मांग ये है कि अभी से 8 महीने पहले ड्रोन कैमरे से इन 4 गाँवों का सर्वे कराया गया था और आज तक घरौनी नहीं दी गई। इसलिए नहीं दी गई है कि घरौनी अगर दे दी जाएगी तो हम लोगों को स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा और हम लोग मनमाने ढंग से जो है जो कानून के हिसाब से मुआवजा ले सकेंगे, और ये लोग मनमाने ढंग से मुआवजा देना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने 4 गांव की घरौनी रोक रखी है। और अभी तक काफ़ी लोगों का कृषि भूमि का मुआवजा भी जो 2018 में बटा था वो भी नहीं दिया गया है, तो वो मुआवजा पहले दिया जाए और पहले घरौनी दी जाए, इसके बाद कानून के हिसाब से पेड़ों का, कुओं का, बंदियों का, बोरवेल का,
इसका मुआवजा जो है 4 गुना, उसमें जो लिखा हुआ है कानून में 2013 का भूमि अधिग्रहण विधेयक जो बनाया गया था, लोकसभा द्वारा जो पारित किया गया था, उस कानून के हिसाब से हमें जमीन का भी, मकानों का भी, और जमीन से संबंधित आस्तियाँ, मकान से संबंधित आस्तियाँ, इनका मुआवजा दिया जाना चाहिए। और इतना ही, हम कोई इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने मनमानी ढंग से झेर साहिबा गांव को जोर जबरदस्ती करके मुआवजा दे रही थी, और ये जो है तो मनमानी है, अच्छा नहीं है, कानून का राज्य नहीं है, और कानून का राज्य होना चाहिए। सर, किसानों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मांगे हैं, किन मांगों के लिए? किसानों ने अभी कलेक्ट्रेट में मिलकर ज्ञापन इस आशय का दिया है कि उनकी, किसानों की कुछ ज़मीनें मौदहा बांध निर्माण खंड में ली गई हैं, और उसका उनको भी कृषि ज़मीनों का सम्यक मुआवजा नहीं दिया गया है। यही मांग है उनकी, शासन को संदर्भित है, भेजा जा रहा है। महोबा शहर के कसौरा टौरी इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति का आरोप है कि उसकी पुत्री को फ़ोन पर कोई गंदे गंदे मैसेज भेज रहा है, और इस मामले की शिकायत करने वाला एसपी के यहाँ पहुँचा है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला कसौरा टौरी इलाके का है, जहाँ रहने वाला उक्त व्यक्ति पूरे मामले की शिकायत लेकर प्रसिद्ध चक के यहाँ पहुँचा। उक्त व्यक्ति बताता है कि उसकी पुत्री के मोबाइल नंबर में एक व्यक्ति द्वारा गंदे गंदे अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं, इसको लेकर शिकायत की गई, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो वहीं आरोपी भी हरकतें अपनी बंद नहीं कर रहा है, जिससे पूरा परिवार मानसिक तौर पर परेशान है। बहरहाल आज पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया गया है और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। मामला ये है कि अज्ञात नंबर से वाला बताता है, ये दिल्ली का पेशे से ड्राइवर बताता है, गंदे गंदे मैसेज व गालियाँ और धमकी वगैरह दे रहा है बच्ची को। एक बार नहीं, 3 माह से बराबर कर रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, किसके मोबाइल में भेज रहा है? मेरे बच्ची का नंबर है, पढ़ती है, वो नंबर पढ़ाई लड़ाई वाला सिस्टम है, और कोरोना काल से बराबर मैसेज गंदे गंदे धमकी, बच्ची को भी गाली बकी। इसके बाद मैंने प्रार्थना पत्र भी दिया और 1090 में इसकी शिकायत भी की थी, कोई भी सुनाई नहीं। आज कहाँ आई थी शिकायत? आज एसपी साहब के पास आया था कार्यालय, शिकायत करने की प्रार्थना पत्र दिया है उनको, उन्होंने अवगत कराया, कहा है कि हाँ हम संज्ञान लेंगे। मैंने मांग दी है कि इस पर मुकदमा लिखा जाए इस व्यक्ति के विरुद्ध। महोबा के कुलपहाड़ कस्बे में शराबी पति की मारपीट से परेशान विवाहिता ने पुलिस अधीक्षक की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला कुलपहाड़ कस्बे के गोबंद नगर इलाके का है, जहाँ रहने वाली माला बताती है कि उसका पति शराब पीकर आए दिन उसके साथ मारपीट करता है, और शराब के पैसे न देने पर भी उसे बेरहमी से मारता पीटता है। वह अपने बच्चों की बामुश्किल परवरिश कर रही है, लेकिन पति की प्रताड़ना के कारण वह पूरी तरीके से परेशान है। इस मामले में स्थानीय पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसे में उसने अपने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है। नाम है तुम्हारा? माला। माला कहाँ की रहने वाली है? कुलपहाड़। आज यहाँ शिकायत करने आई, क्या मामला हो गया? वहाँ थाने जाते हैं, एप्लीकेशन जमा करते, कोई सुनाई नहीं होती है। क्या मामला हुआ है? आदमी है, रोज शराब पी के आता है, बच्चों को मारता है, हमको मारता है, हमारा खाने का आटा बेच खाता है, जो कुछ भी घर में होता है सब बेच के खाता है। ऊपर से कहता है दारू पीने को पैसा लाओ, जब पैसा नहीं होगा कुछ भी करके पैसे लाओ, चाहे आदमी रखो चाहे कुछ भी करो, हमको दारू को पैसा दो। वहाँ ससुराल में रहते हैं, हमीरपुर जिला लगता है, तो वहाँ भी ऐसा करता है, तो वहाँ से भागे आते मायके में, मायके में रहने लगे तो ऐसे मायके में भी करता है। ऊपर से फांसी डाई को भगता है, कहता हम फांसी लगा लूँगा, मुझको दारू को नहीं दोगी, मैं डाई खा लूँगा। थाने में शिकायत की आपने? थाने में 10 ठही एप्लीकेशन जमा कर चुके, कोई सुनाई नहीं करते। आज कहाँ आई थी शिकायत? आज यहाँ आए थे यू ऑफिस, एस पी ऑफिस, एस पी के यहाँ हमने की एप्लीकेशन दे दो, हमारी सुनाई हो, तो आज वो मिली नहीं। महोबा के सिजवाहा गांव में शराबी दबंग ने चाचा और भतीजा को मारपीट कर घायल कर दिया, भतीजा गंभीर रूप से घायल है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला सिजवाहा गांव का है, जहां रहने वाला ज्ञान सिंह बताता है कि उसके ही गांव के रहने वाले नीरज राजपूत ने शराब के नशे में उसके साथ और उसके चाचा जयपाल के साथ मारपीट की है। शराब के नशे में बेरहमी से मारा पीटा गया, दोनों को इलाज के लिए महोबा जिला अस्पताल लाया गया है, जहां इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया गया। दोनों को बेरहमी के साथ मारा पीटा है। बताया जाता है कि बेवजह तबंग ने शराब के नशे में इस वारदात को अंजाम दे डाला। क्या नाम है तुम्हारा? ज्ञान सिंह। कहाँ के रहने वाले? सिजवाहा। क्या घटना हुई, क्या हो गया?
कुछ नहीं हुआ, हम खाना खाने जा रहे थे, काम से छुट्टी हुई हमारी, हम खाना खाने जा रहे थे तो वो छुपा हुआ था, वो सुबह से कह रहा था हम किसी को मारेंगे, तो वो छुपा हुआ था, हम गए खाना खाने में तो डंडा मार दिया हमको, ये बात हुई बस, और कोई बात नहीं है। किसने मारा है? नीरज राजपूत। अच्छा क्यों मारा, क्यों मारने को फिर रहा था, क्या हो गया था उसकी? वो बर्बाद ही है, वो तो सोच रहा है कि मैं बर्बाद हूँ, अगले को बर्बाद करूँ। मोहब्बत टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात और आपको दिखाएंगे मोहब्बत जनपद के हर एक ब्लॉक और गांव की हर एक बड़ी खबर। नमस्कार।